गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप कोमल। कोमल मेरा नाम और आप सबको टिप टॉप रखना मेरा काम। जी हाँ, समर स्टार्ट हो चुके हैं और समर स्टार्ट हो चुके हैं तो समर कलेक्शन हम ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्रेविंग होती है ना कुछ खाने की, हम लेडीज़ को क्रेविंग होती है ना समर या विंटर आते होते क्लोदिंग की, कि हमारे पास जो है कलेक्शन न्यू क्या होना चाहिए। तो आज यही ऑल अबाउट दिस वीडियो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ समर कलेक्शन में आप किस चीज़ क्या टिप किस टाइप की चीज़ें आप रख सकती है या कौन सी सूट जीन्स एंड ओवरऑल। तो चलिए ज़्यादा नहीं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे बताती हूँ क्या क्या इस वीडियो में होने वाला। लेट्स द फर्स्ट वन इज दिस सूट, दिस इज़ द पैन प्लाजो सूट एंड दिस इज़ अ वेरी नेक फैब्रिक। ये जो इसका नेक का फैब्रिक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सी जो है यहाँ पे एक लेस दी गई हुई है नेक पे और कुछ थोड़ा सा वी टाइप का इसका नेक बना हुआ है। पीछे से जो है वो आपको कॉलर मिल जाता है और स्लीवलेस है, पैटर्न इसका स्लीवलेस है। और ये जो है सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो इसका प्रिंट मुझे बहुत सूदिंग लगा, अगर आप ऑफिस या कॉलेज गोइंग है तो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है दिस समर ट्राउज़र। और ट्राउज़र में जो है वो नीचे भी यहाँ पे एक लेस दी गई हुई है जो विद इन अगेन जो है कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा लुक देता है ओवरऑल। मैं आपको नेक्स्ट वन इज दिस टाई एंड डाई सूट, ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। एंड ये देखिए, इसको वियर करते ही ना फेस पे ग्लो आ जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि हाँ वाकई ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और दिस इज़ मतलब टाई एंड डाई ना, मेरा तो टाई एंड डाई बंधेज क्या कहते हैं उसको, लहरिया प्रिंट कुछ इस टाइप के जो प्रिंट्स हैं ना, टाई एनिमल प्रिंट्स जो मुझे मतलब बहुत आई थिंक सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। तो इसके नेक पे यहाँ पे जो है वो एक पैच वर्क दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट अ एम्ब्रॉयड्री बट ये एक पैच वर्क है जो कि अपने आप में ये सिंपल सटल लुक को बहुत ही अच्छा लुक देती है। फिर कम्स विद ट्राउज़र, तो यहाँ पे ये ट्राउज़र के साथ में है। बस इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी, इसमें पॉकेट्स नहीं है और इसके साथ में भी साथ ही साथ इसके आया है यहाँ पे एक ये कॉटन का दुपट्टा। दुपट्टे की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे लो लगी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब इतनी अच्छी दुपट्टे की क्वालिटी नहीं लगी, बट ओवरऑल ठीक है। आजकल सारे हर कोई जो है वो दुपट्टा वियर नहीं करता, तो विदाउट दुपट्टा अगर आपने वियर करना तो आप ज़रूर वियर कर सकते। थर्ड वन इज़ लहरिया प्रिंट, जो कि जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये लहरिया प्रिंट है और जो मैंने नेवी ब्लू में गया। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से नेवी ब्लू कलर नहीं परचेज किया था, सो आई थॉट चलो इस बार एक नेवी ब्लू में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर मंगाया है एंड दिस इज ऑल्सो अ पैच वर्क और ये काफ़ी अच्छा लगा है। एंड मैं सच बताऊँ ना, ये तो अगर आपके ऑफिस में या कॉलेज में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो ना उसमें भी आप वेयर कर सकते हैं। कमाल का ये, मतलब मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी फिटिंग ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी। स्लीव्स पे यहाँ पे ये जो समोसे वाली लेस होती है वो दी गई हुई है आपको और ये है। और इसके साथ में भी अगेन यहाँ पे जो ट्राउज़र मुझे रिसीव हुआ है और इस ट्राउज़र की अच्छी बात ये है कि इसमें जो है पॉकेट, इट कम्स विद पॉकेट। तो मुझे जो है ना सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि पॉकेट ज़रूर होनी चाहिए, तो ये पॉकेट के साथ में। एंड ये जो है दुपट्टा भी इसके साथ में है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके दुपट्टे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब देखने में। एक तो यहाँ पे बंदेज प्रिंट दे दिया है साइड में जो है आपको, ये तो जो है ना मुझे बोलते ना एक साथ जो है एक तीर से क्या कहते हैं, एक तीर से दो निशाने, हाँ कुछ इस टाइप का है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हो गई है एंड लुक एट दिस। तो ये समर्स के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर आप न्यूली वेड है तो भी आप इसको बहुत अच्छे ट्राई कर सकते हैं एंड अगर ऑफिस कॉलेज जाते हैं तो ये आपके लिए मस्ट है, प्लीज़ हैव इट। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसको ट्राई करना ना भूलें। द नेक्स्ट वन इज़ मैंने यहाँ पे मंगाया है टू क्रॉप शॉर्ट्स, वन ब्लैक एंड वन वाइट। एक्चुअली समर्स में ना ये काफ़ी अच्छा कूल लुक देते हैं, अगर आप इसको ओवर साइज शर्ट के साथ में या फिर शर्ट के साथ में इसको टीम अप करते हो ना तो कमाल का लुक देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करूँ। और इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा साड़ीज़ को लेकर ना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बट इतनी साड़ी के साथ में सारे ब्लाउज कैसे वो करूँ मैं, तो ये मुझे नहीं समझ रहा। तो ये जो है वो एक्चुअली एक यूट्यूबर है जिनका नाम लेना चाहूँगी, पकी मेक्स मेघा। तो उनसे जस्ट मैंने उनकी एक रील देखी थी, तो मैंने उनको पूछा मैम आप सारे ब्लाउज कैसे करते, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं सबके साथ में टैंक टॉप वियर कर लेती, तो मुझे लगा हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो ये इंस्पिरेशन जो है वो मुझे उनसे मिली है, तो थैंक यू मेघा मैम, मतलब आपने मुझे सजेस्ट कर दिया, अदरवाइज मैं सोचती रहती कि हाँ वाकई क्या वियर करते। तो मैं सोचा चलो एक वाइट एंड ब्लैक तो एक बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दो मंगाए। मुझे मिली है मीशो से एक जीन्स जो कि जिसकी क्वालिटी, जिसकी फिटिंग एंड द कट ऑसम ऑसम ऑसम। एक तो ये फ्लेयर्ड जीन्स है, तो ये हर
तरीके से जीन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने लेनी है समर्स में कोई जीन्स तो आप प्लीज़ मीशो से इस जीन्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये एंड आई थिंक इसका प्राइस मैं बता दूँ आपको समथिंग 800 है। आई थिंक ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और अगर आपको लेना है तो प्लीज़ आप इसको लो। और इसकी फिटिंग ना कमाल बता रही हूँ ना, बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे जब आपको इसकी फिटिंग ना पसंद आएगी। लास्ट बट नॉट लास्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे और सूट्स आ रहे हैं जो कि ऑन द वे हैं, तो मैंने सोचा चलो कि जितने आ रहे हैं अभी उनको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट सूट, जिसको कि मैंने रील्स में देख देख के मैं पागल हुए जा रही थी। तो मैंने कहा ज़रूर ये सूट्स को मैंने मंगाना ही मंगाना है। तो ओ माई गॉड, आप इसके साथ में मेरा कॉम्प्लेक्शन देखिए। तो ये जो सूट है, आई नो ये समर वियर बिल्कुल सूट नहीं है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप बोले हाँ देख के फटाफट जाके आप ले लो, तो ये समर वियर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है थोड़ा सा मौसम ठंडा है उस टाइम पे, लाइक सेप्टेम्बर अक्टूबर में वियर करने वाला है। तो ये बट ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसमें भी जो है वो पूरी जो है वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई हुई है, एंड इसकी ना ये थोड़ी सी पाकिस्तानी टाइप स्लीव्स हैं जो कि बहुत एक लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा देती है। आप नेक देखिए यार, अगर आपको इस सूट से प्यार ना हो तो इंसान क्या ही करे। पैन प्लाजो पे भी सेम बॉटम पे जो है वो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है आपको, और ये काफ़ी अच्छा है। हाँ इसमें पॉकेट नहीं है, बट कोई नहीं, इतना एडजस्टमेंट तो हम कर सकते हैं। एंड अगेन बट इस पूरे ट्राउज़र में ना लाइनिंग लगी हुई, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि अगर आपने इसे थोड़ा ठंडे वेदर में भी वियर करना है। एंड दुपट्टा, कम ऑन डार्लिंग, अगर ये नेट का दुपट्टा आ गया ना तो इसके साथ ना इसका लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर मैं आपको सच बताऊँ इस पूरे सूट का लुक ना बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत। दैट्स ऑल, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।